समर्थन में गहलोत सरकार को एक समर्थन में एक पत्र लिखा है। सर बताइए। मैं मुस्लिम महासभा का राष्ट्रीय सचिव एनडी कादरी हूं और मैं बीकानेर से यहां सिर्फ इसलिए ही आया हूं कि यहां जो बैठे हैं लगभग ढाई महीने तीन महीने से धरना प्रदर्शन अनशन में, ये गूंगी बहरी सरकार जो सुन नहीं रही है उसको जो है हम जगाने के लिए यहाँ अपना समर्थन पत्र देना आए हैं। और मुस्लिम महासभा की तरफ से पूरे प्रदेश में अंदर समय समय पर इनके द्वारा डांडी यात्रा हो या उर्दू या फिर जो है राजीव गांधी पैरा टीचर, जिस चीज का भी इन्होंने जो है संघर्ष किया है पूरे प्रदेश में, हमारी टीम ने इनका संघर्ष का समर्थन किया है और इनका जो है संघर्ष में अपने कंधे से कंधे मिला करके योगदान दिया है। इस संबंध में मैंने स्वयं ने एनडी कादरी ने श्रीमती सोनिया गांधी और प्रदेश प्रभारी अजय माकन जी और प्रियंका गांधी वाड्रा और सीएम मुख्यमंत्री को भी कम से कम 6 से 7 पत्र लिखे हैं कि इनकी जायज़ मांगे हैं, इनकी जायज़ मांगे पूरी की जाए, अन्यथा मतलब है हम भी अपने किसी अन्य स्तर पर जो है धरना प्रदर्शन और जिस स्तर पर भी करना होगा हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जी सर, आप बताइए। समय समय पर कादरी साहब और मुस्लिम महासभा संगठन के द्वारा हमारी मदद की गई है और इनका सहयोग हर स्तर से हमें मिला। इस जिले में मुस्लिम महासभा और कादरी साहब का दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ और सरकार से भी मांग करता हूँ कि समाज के विभिन्न संगठन, विभिन्न व्यक्ति और 142 विधायक जब हमें समर्थन दे चुके हैं और हमारी मांगे जायज हैं तो सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इन दबे कुचले लोगों का, पिछड़े लोगों का भला कर देना चाहिए और इनका नियमितीकरण कर देना चाहिए। तो सर आप कितने दिन से इस धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार की तरफ से किस तरीके का रिस्पॉन्स अभी तक मिला है? अभी धरने का 64वां दिन है और अनशन का 58वां दिन है जी। और सरकार की तरफ से 13 अधिकारियों से हमारी जो वार्ताएं हुई है 13 हुई है, इसके अलावा विभिन्न विधायकगण, मंत्रीगण, उनसे भी हमारी वार्ताएं हुई है। अभी ऐसा एक हो रहा है कि कुछ सकारात्मक की तरफ जा रहे हैं लेकिन जो नतीजे जैसे आने चाहिए वैसे अभी नहीं मिल रहे, तो हमारा आंदोलन और हम तेज करेंगे और इस आंदोलन को एक परिणति तक पहुँचाने के लिए हम अपने समस्त प्रयास करेंगे। हमने भी मैंने भी जो है राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को कम से कम 2 से 3 पत्र लिखे हैं। अभी मुझे सकारात्मक जवाब मिला है कि जल्दी आपको समय देकर के और इस संबंध में वार्तालाप की जाएगी। और मैंने ये भी लिखा है कि आपने अब तक जितने भी घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की गई थी उन तमाम में विशेष रूप से अल्पसंख्यक लोगों को जो है आपने दबा कुचला ही महसूस किया है और आपने जो घोषणाएं की थी वो केवल घोषणा सिर्फ और सिर्फ जुमला झूठा साबित हुआ है और उसको अमली जमा पहनाने के लिए हमने समय मांगा है और उस पर जल्दी मुख्यमंत्री ने मुझे जो है जवाब दिया है कि आपको समय दिया जाएगा और आपसे वार्ता की जाएगी। जय हिंद, जय भारत। सर आप बताइए। उसमें ये है कि जो हम लोग समर्थन करने के लिए बीकानेर से आए हैं और जो जायज़ मांगे हैं हमारी और इन सभी भाइयों की, उन मांगों को पूरा किया जाए और जो मुख्यमंत्री साहब ने समय दिया है मिलने का तो वो जल्दी से जल्दी मिलने के लिए हमारे को अपना निश्चित समय बताएं जिससे हम लोग मिल करके उनसे वार्ता कर सकें और उन्होंने जो झूठे वादे किए हुए हैं जो हमारे को वादों में ले रखा है और अपने वादों पे, अपनी कसौटी पे खरा नहीं उतर रहे तो अपने वादों को याद करें। बस उनको यही हम अपने वादे किए हुए याद दिलाना चाहते हैं जी। धन्यवाद।